गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत कि राजस्थान के परंपरागत जो जल स्रोत है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों के बारे में। तो देखिए, किसी भी स्थान पर वर्षा का उचित जल प्रबंधन का संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण हो तय। तो जल संरक्षण का मतलब है कि हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका समुचित प्रबंधन हो कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी स्थान का जो जल है उसका उचित प्रबंध करके और उसका संग्रहण करना जल संरक्षण कहलाता है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों तथा झीलों व छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जल संरक्षण की प्रति हमेशा संवेदनशीलता रही है, क्योंकि वर्षा की कमी और सूखे की आशंका को देखते हुए हमेशा हमारे यहाँ पर संवेदनशीलता बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय जैसे राजाओं, सावराओं द्वारा बावड़िया, कुएं, तालाब, नाडी, जोहर आदि का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ छोटे बड़े एनीकर, खड़ी या पेयजल के साथ साथ अनेक प्रकार की सिंचाई के लिए भी ऐसे जल संरक्षणों का उपयोग किया गया। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे राज्य में परंपरागत जो जल संरक्षण है उनके कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बावड़ी। राजस्थान में जल संरक्षण का यह सर्वोत्तम उपाय है बावड़ी। बावड़ी क्या है, कैसे बनाई जाती है? बावड़ी एक चतुष्कोणीय एवं वर्तुल आकार से निर्मित जल स्रोत है। चतुष्कोणीय का मतलब है कि ये चार कोणों वाली होती है, जैसे या वर्तुल आकार यानी गोल भी वो बनाई जा सकती है। इसके साथ जिसका प्रवेश मार्ग से मध्य तक ईंटों तथा टाटा पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, यानी बावड़ी में नीचे तक उतरने के लिए पूरी इसको ईंटों या पत्थर से चुनाई होती है और शुरू से लेकर के अंत तक इसके अंदर तक सीढ़ियां वो बनाई होती है। इनके आगे आंगनुमा भाग होता है, इसके आगे की तरफ बिल्कुल यहाँ पर पश डाला हुआ होता है जो पक्का होता है, ठीक है, जिसमें चूना या सीमेंट आदि कंक्रीट का प्रयोग करके इसको बिल्कुल पक्का वो किया होता है। इन बाबों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनी रहती है, यानी इसका जो अंदर का भाग है ये भी बिल्कुल पक्का होता है और यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इन सीढ़ियों पर क्लाब मेरा तथा स्तंभ व झरोखे भी होते हैं, यानी इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लाब मेरा बोल सकते हैं या मीनारे या स्तंभ वगैरह बनाए हुए होते हैं जो बिल्कुल देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इन झरोखों में संवेदनशील स्थानीय जो जल देवता होते हैं उनकी मूर्तियां होती है। राजस्थान में बावड़ी निर्माण का उपयोग व्यक्तिगत तथा सामाजिक होता है, यानी कहीं जैसे शेर है, शाहूकार है, इन्होंने में भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी बावड़ियां बनाई गई और कुछ बावड़ियां हैं वो सार्वजनिक रूप से बनाई गई, जैसे बूंदी की बावड़ी की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है, यानी बूंदी शहर में बावड़ियां अधिक होने के कारण बूंदी को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जोधपुर में तापी बावड़ी है, दौसा की भंडारेज बावड़ी है, चित्तौड़ की विनेता की बावड़ी है, आबाली की चांद बावड़ी आदि वो प्रसिद्ध है। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियां देखने को मिलती है और इन बावड़ियों में बिल्कुल कलात्मक दृष्टि से इनकी नकाशी की गई है। ऊपर की ओर मेहरा हो सकते हैं, स्तंभ वगैरह हो सकते हैं जो इनको और ज्यादा सुंदरता प्रदान करते हैं। तो बावड़ियां व्यक्तिगत रूप में भी बनाई जा सकती है और सार्वजनिक रूप में भी बनाई गई। इन बावड़ियों में वर्षों तक पानी का संग्रहण किया जाता है जो पीने के योग्य कार्य किया जाता है, साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोग हो सकता है। दूसरा आगे आता है तालाब। राजस्थान में एक जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत है तालाब। तो तालाब में वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है, जैसे वर्षा होती है आसपास के भूभाग का जो जल बह करके सीधा तालाब में इकट्ठा किया जा सकता है, जो पशुधन और मानव दोनों के लिए पेयजल का क्या होता है, स्रोत होता है, यानी जिसमें पशु भी पीने के लिए काम कर सकते हैं, ले सकते हैं, साथ साथ में मनुष्य भी अपने क्रियाकलापों के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है, यानी अधिकांश जो तालाब है अगर आप देखोगे तो ढालू जो भाग है यानी चारों तरफ से जहां पानी आकर के इकट्ठा हो सकता है, ये
कैसे भूभागों पर तालाब का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी रहती है, यानी लोगों की धार्मिक भावना भी है तो साथ साथ में सामाजिक भावना भी इनके साथ जुड़ी रहती है। यही कारण है कि इनका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो सकती है, यानी तालाबों की सुरक्षा भी की जा सकती है और उनका संरक्षण भी किया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी होने के कारण ये सबसे ज्यादा क्या होता है, उपयोगी रहता है। इसके साथ जैसे पाली में हेमावास तालाब है, सरीली तालाब है, मेजा तालाब है, भीलवाड़ा में बानकिया तालाब है, इसके साथ साथ सोनापाली तालाब, चित्तौड़ जिले में गड़ीसर है, गजस्वरूप तालाब आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है, वो माना जाता है। एक प्लाज्मा तालाब है जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें की हुई है, उनका फर्श भी बिल्कुल पक्का है, वो किया गया है और ये ढहान वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तीसरी आपकी आती है झीलें, क्योंकि झीलें किस तरह जल संरक्षण का कार्य वो करती है। झीलें तालाबों की तरह झीलों में भी जल संरक्षण का कार्य किया जाता है और झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सामग्री प्रचलित हो जाता है। जैसे मान लो जल बह रहा हो तो उस जल को हम एकत्रित हो कर सकते हैं और इस जल को एकत्रित करने का यह सर्वोत्तम साधन है झीलें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन झीलों का निर्माण स्थानीय जैसे सेठ सावा बंजारों के द्वारा किया गया। पेयजल के साथ साथ झीलों का जो जल है वो सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित है। इसके साथ यह झीलें जहां स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रही है, वहीं आपदा तथा सूखे में जीवनदायिनी भी रही है। ये झीलें हैं, ये आपकी पेयजल के साथ साथ में विभिन्न प्रकार से अगर हम देखें तो जीवनदायिनी कहते हैं कि रही है। जीवनदायिनी कि आकार और सूखे के समय में ये लोगों को जीवन देने वाली, यानी पानी की समस्या का समुचित उपयोग करने वाली वो रही है, तो इन्हें हम जीवनदायिनी वो कह सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो ये झीलें जहां स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रही है, आकार और सूखे में जीवनदायिनी रही है। जैसे इन झीलों में अजमेर की आप देखोगे अन्ना सागर झील है, उदयपुर की पिछौला झील है, फतेह सागर झील है, चूरू की ताल छापर है, जालौर का बांकलीमान है, टोंक का टोरडी सागर है, पाली का सरदार सम्मान है, बूंदी की नवलखा झील तथा राजसमंद की नौ चौकी झील वो प्रसिद्ध है। ये कुछ झीलें हैं राजस्थान में जो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहते हुए पानी को रोककर मनुष्य और पशुओं और सिंचाई के साधन के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके नाड़ी, ये एक छोटे तालाब की तरह होता है नाड़ी, और छोटा तालाब जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश आपको देखने को मिलते हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान में नाड़ियां सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तालाब का छोटा जिसमें पानी को एकत्रित किया जा सकता है और रेतीले मैदानी भाग में वर्षा का जल एकत्रित हो क्या, जहां रेतीला है मैदानी भाग है मरुस्थलीय भाग है वहां पर वर्षा के जल को एकत्रित किया जा सकता है। सामान्य रूप से ये 4-5 मीटर गहरी होती है, यानी लगभग 4 या 5 मीटर गहरी, यानी लगभग आपके देखें तो 20-25 जो फीट की गहराई तक ये होती है। इसके साथ इसका आकार छोटा और कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा हो जाता है, यानी केवल वर्षा के समय में ही इनमें पानी देखने को मिलता है। इन नालियों में मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर नालियों को गहरा किया जाता है, क्योंकि वर्षा के साथ जो जल है जल जो बहकर क्या था उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है और मिट्टी आने के कारण उन नालियों की जो गहराई वो कम हो जाती है, इसलिए प्रतिवर्ष इन नालियों से जो मिट्टी है उस मिट्टी को वापस धोकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वो और ज्यादा क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जो जनसंख्या है पशुओं और वन्य जीव के पेयजल का ये नालियां प्रमुख स्रोत हो मानी जाती है। अगर आप कहता है नंबर 5 पर टांका है, ये आपके बिल्कुल एक आप जैसे कुंड देखते हो, होद जिसे कहते हैं, बस उसी के आकार का होता है
और पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल जल संरक्षण स्रोत जो कि प्रत्येक घर या खेत में देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये हमारा परंपरागत जल संरक्षण और जल स्रोत है जो आपको लगभग घरों में देखने को मिल सकता है, आपके खेतों में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और ये भूमि में से 5-6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है, जिस तरह से अपना कुंड वगैरह होता है उसी तरह से होते हैं खेत में आप कुंड वगैरह देखते हो। आजकल तो तुक्की बनाने लगे हैं, पहले क्या था सीधा एक अच्छा था उसको 5-6 फीट गहरा खोद दिया और उसमें जो वर्षा का जल उसका संग्रह हो किया जा सकता है। और ऊपरी भाग को बिल्कुल पत्थर और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है, यानी गहरा गड्ढा खोद करके उसमें जो ऊपरी भाग है उसको बिल्कुल पत्थर से वो ढक दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें घरों की छत और आगों से आने वाली वर्षा का जल भी संरक्षण कर लिया जाता है, जैसे घरों की जो छत है उसमें से जो पानी आ रहा है या जो आगों से जो पानी आ रहा है उसको उसके अंतर्गत वो उतार दिया जाता है और वो गड्ढा है वो उस पानी से भर जाता है। और इसके आंतरिक भाग में राख का बजरी का लेप कर दिया जाता है, जो गड्ढा है जो खोदते हैं कुंड की तरह जैसे सीमेंट का लेप करते हैं उसी तरह इसमें बजरी है या जो राख है उसको मिला करके और उसका लेप कर देने से वो पानी है वो उसके चारों दिशा नहीं लगता और कई समय तक उसमें पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना और अन्य योजनाओं में डाकों का निर्माण किया जा रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना के तहत घरों में खेतों में ऐसे डाकों का निर्माण हो आज भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसा क्या आता है जोहर, जोहर क्या है, जोहर हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप देखोगे तो सेकर के क्षेत्र में जैसे सीकर चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है इधर आपको जोहर देखने को मिल सकते हैं। और इसका रूप सामान्यतः टांके के समान होता है, जैसे अपने यहाँ टांका होता है जैसे बोलते हैं उसी तरह से ये जोहर होता है जो आपको सेकर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा और गोलाकार खुला होता है, यानी जोहर है वो ऊपर का जो भाग है काफी गोलाकार होता है और बिल्कुल खुला रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो जिसमें बहते हुए वर्षा का जल है ना वो इसके आगरों के मध्य में आकर इकट्ठा हो जाता है। जोहर है वो पशुओं और मानव के लिए पेयजल का स्रोत माना जाता है, यानी कि उसको ऊपर से ढकते नहीं है ताकि इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है और इसमें आगर यानी आसपास की भूमि का पानी और जैसे छत का पानी आकर के उसमें गिर जाता है और जो पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए पेयजल का एक उत्तम स्रोत है वो माना जाता है। इस तरह से जोहर के अंतर्गत पानी का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया था बेरी या छोटी कुई जिसे कहते हैं, बेरी या छोटी कुई, बेरिया छोटी कुई, ये तो आपने छोटी छोटी बेरिया होती है जो लगभग 8-10 मीटर पर या 15-20 फीट गहरा गड्ढा होता है जिसको अंदर से गोल मिट्टी के द्वारा या जैसे ईंट पत्थर के द्वारा चुना करके छोड़ दिया जाती है और उसमें पानी रिसाव करके आ जाता है। तो देखो ये पश्चिमी राजस्थान में तालाब खड़ी में आपको भूमि में से 5 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और इसका व्यास लगभग 2-3 मीटर गहरा चौड़ा होता है, इसका तो व्यास है 2-3 फीट की चौड़ाई का होता है और लगभग ये 5 मीटर गहरी हो खोदी हुई है जो पश्चिमी राजस्थान में आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांध दिया जाता है जिसमें भूमि का जल है वो रिसाव कराता है और इसके साथ साथ इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल सूखने के बाद किया जाता है, यानी बेरियों का या छोटी कुइयों का जो जल है उस जल का उपयोग सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु के बाद में किया जाता है ताकि मान लो ग्रीष्म ऋतु में जब जल सूख जाता है तो इसका जल काम में दिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहते हैं, यानी लोकल भाषा में अगर हम बात करें तो बेरी कहते हैं या फिर छोटी कुई भी इसको कहते हैं। और राजस्थान में बेरिया ज्यादातर आपको बाड़मेर और जैसलमेर में देखने को मिलेगी क्योंकि वर्षा का जल है उसमें आ जाता है और बेरी होती है उसको अंदर से पत्थर या ईंट से चिनाई कर देते हैं ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो उसकी दीवारों में रिस ना जाए और उनमें पानी तय समय तक वो संरक्षित रह सकता है जो पेयजल के लिए काम हो लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं खड़ी, खड़ी क्या है, खड़ी नाड़ी की तरह ही होता है, छोटे छोटे तो आपको जैसे में बहुत सारे खड़ी देखने को मिलेंगे जिनमें वर्षा ऋतु में इनमें पानी है वो संरक्षित
किया जा सकता है। यानी खड़ी वस्तुता आपको जिसमें के मध्य में पालीवाल ग्रामों के द्वारा बनाए गए जल संरक्षण व जल प्रबंधन की नई तकनीकी है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। जैसलमेर में पालीवाल ग्रामों के द्वारा बनाए गए ये पेयजल स्रोत है जो एक तो पीने के लिए और दूसरा सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त वो माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनके पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड या दीवार बनाकर रोका जाता है। यानी खड़ी है जैसे मान लो पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी आ रहा है उस पानी को रोकने के लिए चारों तरफ मेड बना दी जाती है, यानी मिट्टी की या पत्थरों की मेड बना दी जाती है ताकि पहाड़ों से आने वाला पानी इसके अंतर्गत वो रुक सके और इधर उधर रिसाव न करे, जो पेयजल के लिए भी काम आ सकता है और सिंचाई के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। इसके साथ इससे लगते दूसरे खड़ी भूमि को जल मिल सके और इस खड़ी भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि होती है। साथ साथ अगर हम देखें तो निश्चित रूप से संरक्षण तथा मिट्टी में क्या मिलती है, नमी रहती है। यानी इस खड़ी में जब पानी आ जाता है तो इससे दूसरे खड़ियों में भी पानी वो पहुंच सकता है। साथ साथ में जो भूमिगत जल है उस भूमिगत जल में भी वृद्धि होने की संभावना रहती है और आसपास की जो मिट्टी है उस मिट्टी में भी नमी बनी रहने की संभावना बनी रहती है। तो आपको खड़ी सबसे ज्यादा जैसलमेर में देखने को मिलेंगे जो पालीवाल ग्रामों के द्वारा बनाए गए। तो ये हमारे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप है कि भाई हम किन किन रूपों में राजस्थान में जो जल है उसका संरक्षण वो कर सकते हैं। तो बावड़ी है, तालाब, झीलें, नाड़ी, टांका, जोहर, बेरी या छोटी कुई और खड़ी, इन सबसे हम जल संरक्षण का कार्य वो कर सकते हैं। तो इन सबसे जल संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हम जल का समुचित उपयोग वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल स्वावलंबन की, जो जल है उस जल को हम किस तरह से उसका समुचित उपयोग करें। तो जल स्वावलंबन, जल स्वावलंबन कि जल स्वावलंबन क्या है और किस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो भूमिगत जल है वो धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है और स्थानीय स्तर पर जो प्रचलित जल स्रोत है जिसमें बावड़ी, तालाब, नाली, कुएं, जोहर आदि है, इनकी दुर्दशा और बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गार और वर्षा की कमी के कारण जल संकट की स्थिति है वो बहुत ही विकट उत्पन्न हो गई है। आज कल हम देखें जैसे बावड़ियां हैं, तालाब है, झीलें हैं, नालियां, आज इनकी कोई सुनने नहीं दे रहा है। दूसरी ओर इनकी दुर्दशा हो रही है, अच्छा वर्षा की कमी है, ऐसे संकट को देखते हुए जल की एक विकट समस्या वो खड़ी हो गई। इसके साथ 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 बढ़ती हुई जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण और ज्यादा संकट वो गंभीर हो गया है। इसी कारण सरकार ने जल क्रांति के अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ करके इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंध किया जाए। भाई आज वर्षा के बाद में हमारे यहाँ जल की समस्या सबसे ज्यादा बनी रहती है, तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर के एक जल स्वावलंबन कार्यक्रम को आरंभ किया था ताकि इस जल की जो समस्या है, जल की जो विकट परिस्थिति आज उत्पन्न हो गई है वो न हो और हम ज्यादा से ज्यादा जल का क्या कर सके, संरक्षण कर सके। अगर जल का समुचित उपयोग करेंगे तो जल की जो समस्या है उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। देखिए सामान्यतः जल का प्रबंध तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे, नाडी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहर, बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाए गए। आज भी अगर हम देखें तो जैसे मान लो छोटी छोटी ढाणियां हैं वहां पर जल की समस्या खड़ी हो जाती है, तो वहां पर जैसे मान लो तालाब के माध्यम से, बावड़ी के माध्यम से, टांका या जोहर के माध्यम से, बेरी या खेत के माध्यम से किसी न किसी रूप में वहां पर जल का संरक्षण किया जा रहा है। चलो जल संरक्षण का कोई सा भी रूप क्यों ना, उन सबसे जल संरक्षण किया जा रहा है।
इसके साथ यह जल स्रोत तात्कालिक समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे और जो लंबे समय तक स्थानीय जल संरक्षण जल स्तर को स्थानीय लोगों को जल प्रदान हो करते ये ऐसे पेयजल संरक्षण के साधन जिससे कि लंबे समय तक स्थानीय लोगों को जल उपलब्ध करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो जल प्रबंधन की परंपरागत सुव्यवस्थित जो व्यवस्था है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय में पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। ये जितने भी दो जल संरक्षण के साधन है ये राजस्थान में अकाल और सूखे के समय में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध करवाते हैं और परंतु इन स्रोतों की वर्तमान में उपयोगिता कम होने और पर्याप्त संरक्षण के अभाव में जर्जर स्थिति में आ गई। अगर आज हम देखें बावड़ी तालाब झीले नदी झांका जोहर बेरिया खरीन वर्तमान समय में इनका उपयोग कम होने के कारण इनकी इतनी दुर्दशा हो गई है कि आज ये हमारे उपयोग में नहीं आए और इनकी स्थिति बहुत ही जर्जर और दयनीय हो गई, यानी इनके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो वर्तमान समय में जल की कमी को देखते हुए संकट से मुक्ति पाने के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया और जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत करके और जल का उपयोग कर व्यवस्थित करना तथा वर्षा के जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना और समुचित प्रबंध करना कि आज हम इस जल की समस्या से निजात पाए। कैसे पाए कि स्थानीय स्तर पर हम जल का क्या करें, समुचित संरक्षण करें, उसका उचित प्रबंध करें, तभी हम जल संरक्षण का कार्य वो कर सकते हैं। ठीक है ना, जल का समुचित उपयोग करके उसका प्रबंधन करके और जो भी जैसे बावड़ी है तालाब है झीले हैं नाली है खरीन है जोड़ है बेरी है इन सभी का समुचित संरक्षण करें तो निश्चित रूप से हम जल संरक्षण को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो देखो राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन ग्राम योजना में ग्रामीण स्तर पर जो जल संरक्षण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भाषाओं के सहयोग से जल संरक्षण या जल प्रबंधन पर आत्मनिर्भर करना, यानी सरकार ने राजस्थान में जो भाषा थे जो दानदाता थे दानी थे उनके माध्यम से उनके सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया ताकि जो स्थानीय स्तर पर बावड़ियां तालाब झीले हैं इनका कैसे समुचित रख रखाव किया जाए इनकी मरम्मत की जाए और इनमें जल को संग्रहित करके और विकट परिस्थिति में इस जल को उपयोग में लाने का कार्य वो किया जाए। तो सरकार ने जो योजना चलाई वो थी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। इसके साथ साथ ये कार्य भी जल प्रबंधन करके और स्थानीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था। इसके साथ देखो इस योजना में एक भूजल स्तर में वृद्धि होगी, जो भी आपके बावड़ी है तालाब है नदियां हैं झीले हैं जैसे जोहर है बेरी है इनमें अगर पानी रहेगा तो इनका पानी धीरे 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 भूतल पर रिसाव करेगा और भू जो जल है उसमें क्या होगी वृद्धि होगी, साथ साथ में गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो प्राचीन जितने भी स्रोत हैं जैसे कुएं तालाब खड़ीन है जोड़ है बेरी है या जो लुप्त हो रहे हैं ऐसे संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा जिसमें भामाशाह सरकार का भी सहयोग करेंगे और सरकार उनका सहयोग करेंगे दोनों मिलकर के और स्थानीय क्षेत्र विशेष पर जो भी प्राकृतिक जो जल स्रोत है उनका समुचित प्रबंध वो किया जाएगा। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस अभियान की जो अवधि है वो लगभग 4 वर्ष के तकरीबन रखी गई थी और विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करके लगभग 21,000 गांवों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। ये सरकार की योजना थी कि हम 4 साल के अंतर्गत स्थान विशेष के क्षेत्रों में जो भी ये जल स्वावलंबन का कार्यक्रम चलाएंगे तो लगभग इससे 21,000 जो गांव से लाभान्वित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम जैसे मान लो गैस क्षेत्रों को धार्मिक प्रश्नों को साथ साथ में आदिवासी ग्रामीण भारतीयों को और स्थानीय ग्रामीणों की इसमें भागीदारी होगी जो जल संरक्षण के क्षेत्र में उपचार और डीप कंटिन्यूअस कंटूर टेसेन स्टेगर्ड फार्म पॉन मिनी पर लोकेशन टैंक संकन गली पिट खड़ी जोहर डांडा निर्माण कार्यक्रम। तो इस तरह से कहते हैं कि जहां जहां उपलब्ध होगा वहां पर डांका साथ साथ में नाली
तालाब उनका निर्माण किया जाएगा और श्रृंखला पर छोटे छोटे एनीकट बनाए जाएंगे, साथ साथ में मिट्टी के छकडेम होंगे, जल संरक्षण ढाल नाला स्थानीयकरण के कार्य वो किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चला करके स्थान विशेष के जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को समुचित प्रबंध और रख रखाव के लिए जल स्वावलंबन योजना चलाई, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो परंपरागत जल स्रोत हैं इन जल स्रोतों का रख रखाव किया जा सके। अकाल और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने इन जल स्रोतों को उचित प्रबंध करके स्थान विशेष के क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य वो रखा है कि भी ज्यादा से ज्यादा स्थान विशेष के लोगों की इसमें भागीदारी हो और वो इसका समुचित प्रबंध कर सके, ताकि अकाल और सूखे और वर्षा ऋतु के बाद में इन परंपरागत जल संरक्षण का जो जल है वो पशुओं के लिए और मानव के पेयजल के लिए सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सके।